करके भी घर का काम खत्म नहीं होता, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं? अगर आपकी भी है ये सिचुएशन तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत यूजफुल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 15 जीनियस होम एंड किचन हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपका काम बहुत आसान कर देगी, और साथ ही साथ आज की वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ नो कॉस्ट होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज भी शेयर कर रही हूँ। आज के होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज पसंद आए, होम हैक्स पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रिव्यूज रील्स पे जा रहे होते हैं। साथ ही में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना आप कौन से सिटी, शहर, स्टेट से मुझे देख रहे हो, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बेडशीट्स हम वीकली या वीक में एटलीस्ट ट्वाइस तो चेंज करते ही करते हैं, और बेडशीट के साथ हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उस पर जो क्रीसेस, उसका मुचड़ना होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करता है और ये हमारा रेपिटेटिव काम है। अगर आपके पास फिटेड बेडशीट्स हैं वेल एंड गुड, मैं यहाँ पे बॉम्बे डाइंग की बेडशीट यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ नॉट अ फिटेड बेडशीट, बट फिटेड बेडशीट का भी मैं आपके लिए एक होम हैक लेके आई हूँ। ये होम हैक ऐसा है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क परफेक्टली। अगर एक महीने तक भी आपकी बेडशीट बेड पे रहती है तब भी वो क्रीजेस से फ्री रहेगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे थे। इस होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया के साथ आपकी जो नॉन फिटेड बेडशीट है वो फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हो कि अपनी बेडशीट में चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से नॉट बना के उनको गद्दे के नीचे टक कर सकते हो, टाइटली टक कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो बेडशीट है नॉन फिटेड है बट वो फिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है आपका नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, जिससे कि आप अपनी नॉन फिटेड बेडशीट फिटेड बेडशीट कर सकते हो और ऐसे ही आप निकाल के इसको धो भी सकते हो। नॉट लगाने से आपकी बेडशीट छोटी साइज में हो जाती है तो बहुत अच्छे से टक हो जाती है आपके बेड पे, गद्दों पे। अब जो फिटेड बेडशीट्स हैं ना, काफ़ी एक्सपेंसिव आती हैं और उनमें कलर ऑप्शंस एंड पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। दोस्तों कभी भी घर का काम करते हुए अपने को निग्लेक्ट मत करना, अपने को हाइड्रेट बहुत अच्छे से करना। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं तो यहाँ पे नारियल पानी पी रही हूँ। मेरे डाइट प्लान में नारियल पानी अराउंड 12 बजे शामिल है, सो 12 बजे के करीब मैं नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ। एंड गुड न्यूज़ इज़ मैंने 2 किलो वेट कम कर लिया है एक महीने में, बहुत जल्दी जितना फ़र्क पड़ेगा आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अपना नारियल पानी ख़त्म करने के बाद अब मैं वापसी अपनी बेडशीट पे आ गई हूँ, जिसको कि अब मैं फिटेड बेडशीट बना रही हूँ। इस तरीके से कॉर्नर्स अच्छे से डिफाइन करके मैं इस तरीके के इलास्टिक बैंड्स यूज़ करती हूँ, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चेक ज़रूर करना। और जब आप इसको अच्छे से अपनी बेडशीट पर टक कर देते हो ना, आपकी बेडशीट्स एक महीने तक भी नहीं हिलेंगी, क्रीजेस भी नहीं पड़ती हैं अगर आपने बहुत अच्छे टाइटली अपनी बेडशीट टक करी है। ये मैंने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो आई कैन वाउच फॉर दिस होम हैक। आप ब्लाइंडली इसके लिए जा सकते हो और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन भी नहीं है, बहुत ही सस्ते में आ जाता है और आपका एक हफ्ते का सिर दर्द कम कर देता है, जो कि आपको बार बार चीज़ रिपीट करनी पड़ती है बेडशीट ठीक करने की, वो इससे आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इस प्रोडक्ट को किसी भी टाइप की बेडशीट पर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सिंगल बेड की बेडशीट हो, डबल बेड की बेडशीट हो, रेगुलर बेडशीट, कोई भी आप फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन अगर आपके पास सोफ़ा है, सोफ़ा के आपके गद्दे हट जाते हैं, जो गद्दियाँ होती हैं हट जाती हैं, आप उनके ऊपर भी जो सोफ़ा कवर होते हैं उनको आप फिटेड बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो हो गया ना चीज़ एक, फ़ायदे अनेक। साथ ही में जब बेडशीट बिछी हुई होती है तो हमें उसको डेली झाड़ना भी पड़ता है कि कोई धूल मिट्टी बाल कुछ हो बेडशीट पे या पिलो कवर्स पे, सो वो सब हट जाएं अगर हम बेडशीट डेली चेंज नहीं कर रहे हैं। डेली चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है डबल बेड की बेडशीट चेंज करने में, तो डेली तो चेंज कर भी नहीं सकते हैं। मूविंग डे व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, इस घर में शिफ्ट होने के बाद ना मैंने एक ये यंत्र Amazon से ख़रीदा है। अब किसने इसका आविष्कार किया है मुझे नहीं पता, बट जिसने भी किया है भाई उसने मेरी लाइफ आसान कर दी है, ज़िंदगी ईजी कर दी है। तो ये जो यंत्र है ना, आप इससे आप अपना बेडशीट पूरा अच्छे से झाड़ सकते हो बिना एक्चुअली झाड़े, तो वो जो मिट्टी है आपकी सारी जगह कमरे में फैलेगी नहीं, उड़ेगी नहीं। आप इससे कुशन कवर साफ कर सकते हो, कोई भी अपॉल्स्ट्री का काम है आपके घर में जिसको आपको झाड़ना है, डस्ट करना है बिना एक्चुअली उसको झाड़े, तो आप ये वाला जो गैजेट है ये यूज़ कर सकते हो। ये सारी जगह डस्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता है, उड़ा नहीं देता है, तो जो एरिया आप साफ़ कर रहे हो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। और अगर आपको डस्ट एलर्जीज़ हैं तो ये आपके काम का बहुत ज़्यादा है।
इसको आप सोफ़ा डस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी सीटिंग जिस पे भी अपोल्स्ट्री का काम हो, कपड़े का काम हो, उसको साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, कुशन कवर को डस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके यूजेस तो न्यूमरस हैं, इसमें डस्ट कलेक्ट हो जाती है, हेयर बहुत अच्छे से ये पिक कर लेता है, छोटे छोटे रुए होते हैं बहुत अच्छे से पिक कर लेता है, डस्ट के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपने अंदर ग्रैब कर लेते हैं, और इसको खोल के वॉश करना भी सुपर डुपर इजी है। इसका जो हेड है काफ़ी बड़ा है तो ये काफ़ी एरिया एक ही साथ कवर कर लेता है। इवन अगर आपको बेड पे बैठ के खाने की आदत है, जो कि नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड, तो वो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ये बहुत ईजिली ग्रैब कर लेगा अपने अंदर। और वॉश करने के टाइम आपको बस इसको बाथरूम में लेके जाना है और नलके के नीचे वॉश कर देना है। हमारा जो अगला जीनियस होम टिप है वो घर से रिलेटेड है। अब एक जो हमारी चीज़ होती है जो हमें रोज़ डेली क्लीन करनी होती है इज़ हमारा टीवी यूनिट। टीवी भी साफ़ करना पड़ता है और टीवी यूनिट पे जितनी चीज़ें हैं वो भी डस्ट करनी पड़ती हैं। उसका मैंने एक होम हैक निकाला है। आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा है ना, जिस तरीके से मेरी ये ब्लैक सैंडोज थी जो कि मैं पहनती नहीं हूँ बिकॉज काफ़ी फेड हो गई है, इसका भी एक इलाज आपको बताती हूँ। कपड़े इस तरीके से फेड हो जाते हैं तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने डिटर्जेंट में जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इस सैंडोज को अब पहनने लायक तो बची नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया है। जितना भी इसका आर्म होल एरिया था, नेक एरिया था, वहाँ से उसको कट करके ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर दिया है, स्ट्रेट बिल्कुल पेस्ट कर दिया। आप सिलाई भी लगा सकते हो या हैंड स्टिच भी कर सकते हो। इसको मैंने सिर्फ एक ही साइड से पेस्ट किया है और दूसरी साइड इसकी मैंने ओपन रहने दी है, तो हमारे पास एक ये कुशन टाइप तैयार हो गया जो कि एक साइड से खुला हुआ है। चलो उसको सीधा कर लेते हैं और फिर बताती हूँ कि मैंने इसको यूज़ कहाँ पे किया है। इस DIY नो कॉस्ट होम हैक को मैंने यूज़ किया है अपने होम थिएटर के वूफर को कवर करने के लिए। वो भी ब्लैक कलर का है और मेरी जो ये सैंडोज से हमने DIY बनाया है कुशन कवर, वो भी ब्लैक कलर का है और कितने अच्छे से ये पूरा का पूरा वूफर पे आ गया है। देखो कहीं से भी लुच नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से फिटिंग हो गई है। जो कॉर्नर्स हैं इनको मैं अंदर की तरफ प्रेस कर दूंगी और ये पूरा एक बॉक्स स्टाइल में आ जाएगा। अब इससे मेरा हुआ क्या, मेरी डस्टिंग का, रोज़ रोज़ की डस्टिंग का काम हट गया। आप मेरा टीवी देख रहे हो वो भी कवर्ड है, आप मेरा टीवी यूनिट देख रहे हो वो भी कवर्ड है। आप मानोगे नहीं, मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ 2 महीने से मैंने इस पूरे एरिया की डस्टिंग नहीं करी है। जस्ट मैं ये कवर उतारती हूँ और इसको वॉशिंग में डाल देती हूँ और दोबारा से टीवी पर लगा देती हूँ। मेरे को रोज़ रोज़ की डस्टिंग से छुटकारा मिल गया है, जो मेरा रेपिटेटिव काम था वो मेरा कम हो गया है। सो इस तरीके से आपको अपना स्मार्ट वर्क भी करना है अपना घर ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोस्तों आपको तो पता है मैंने शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग के बाद इस एरिया का वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड है और आपको पता है मैं अपने DIY ऑल पर्पज़ क्लीनर्स घर पे ही बनाती हूँ यूजिंग डिशवॉश लिक्विड। मैंने यहाँ पे कोपारो क्लीन का डिशवॉश लिक्विड ऑर्डर किया है जिससे कि मैंने अपना DIY ऑल पर्पज़ क्लीनर मंगवाया है। साथ ही मैंने कोपारो क्लीन का स्पॉन्ज वाइप्स भी ऑर्डर किए हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है, वाइट स्टेन्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो मैंने ये स्पॉन्ज वाइप्स ऑर्डर किए हैं जिनमें जो अब्सॉर्बेंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्विकली ड्राई कर देता है और इनकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये 5 वाइप्स आपको एक ही पैकेट में मिलते हैं, क्लीनिंग तो आप अभी इनकी देख ही लोगे, एकदम स्पार्कलिंग क्लीन कर देता है और पानी बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करता है। कोपारो के ये स्पॉन्ज वाइप्स नेचुरल सेलुलोज स्पॉन्ज वाइप्स हैं, सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। आप इनको किसी भी टाइप के सरफेस पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको क्विक ड्राइंग चाहिए वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, और हाई शाइन चाहिए वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका ग्लास टॉप, कुक टॉप हुआ, आपके क्रॉकरी हुई, आपके यूटेंसिल्स हुए, रेफ्रिजरेटर, बाथरूम सिंक, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इवन अपने टीवी या गैजेट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप इनको डिश ड्राइंग मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास डिश ड्राइंग मैट नहीं है, सो मैं इन वाइप्स को एज अ डिश ड्राइंग मैट भी यूज़ करती हूँ। इनकी अब्सॉर्बेंसी बहुत अच्छी है तो पानी को अपने अंदर बहुत अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। Thank you.
इस नए घर में आने के बाद मैंने बहुत नए स्विचेस भी मारे हैं और बहुत नए गैजेट्स और प्रोडक्ट्स भी मैंने ट्राई किए हैं, क्योंकि यहाँ का पानी अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिश वॉश लिक्विड भी अपना चेंज किया है, जैसे कि मैंने आपको DIY ऑल पर्पज़ क्लीनर के टाइम बताया था। मैं कोपारो का डिश वॉश लिक्विड आजकल यूज़ कर रही हूँ, जो कि हाथों को सॉफ्ट रखता है। यहाँ पे हार्ड वाटर है तो हाथों को सॉफ्ट रखता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, प्लांट बेस्ड है, वीगन है। हम आजकल ऑर्गेनिक फूड परचेज़ करते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, सो व्हाई नॉट स्विच टू नेचुरल डिश वॉश लिक्विड टू, है ना, जो कि हम अंदर कंज्यूम भी करते हैं क्योंकि हमारे बर्तनों में वो लगता है। सो आप भी एक बारी ट्राई करके ज़रूर देखना। आजकल हम हर वीकेंड मॉल निकल जाते हैं और एक्सपेंसिव कपड़े ऐसे खरीद के लाते हैं जैसे हम भिंडी तरकारी लेके आ रहे हो, बट आजकल तो भिंडी तरकारी भी सस्ती नहीं है, तो कपड़े कहाँ से सस्ते होंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है थिंक बिफोर यू बाय, सो कितना अच्छा हो कि हमें जल्दी जल्दी कपड़े खरीदने ना पड़े। उसके लिए आपको बस एक स्मॉल चेंज करना है अपने लॉन्ड्री हैबिट्स में, अपने लॉन्ड्री डिटर्जेंट को चेंज करके। मैंने ओवर टाइम ये नोट किया है कि मेरे कपड़े अब कम फेड होते हैं, श्रिंक भी ज़्यादा नहीं होते हैं, सो मेरे कपड़ों की लॉन्जिविटी भी बढ़ गई है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये कोपारो का लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जिसका कपड़ों पे कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता है और ये हमारी स्किन के लिए सेफ है, क्योंकि कपड़ों पे अगर डिटर्जेंट रेजिड्यू रह जाता है तो वो हमारी स्वेट के साथ हमारी स्किन में अंदर भी जाता है, जो कि एलर्जीज प्रोड्यूस करता है। अभी इससे जो आप बार बार मॉल में एक्सपेंसिव कपड़ों की शॉपिंग करने जाते हो ना, आपके पैसे भी बच जाएंगे जस्ट एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट चेंज करके। ये वाला जो होम हैक है नेक्स्ट, सच्ची में जीनियस होम हैक है, और अगर ये अपना लिया आपने तो आपकी लाइफ सच्ची में आसान हो जाएगी। आपका भी सोफा या बेड आके बैठने के नहीं बट कपड़ों के बैठने के काम आता है, तो ये वाला होम हैक जरूर ट्राई करना। जब आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं, उनको ड्रायर रैक पे से उतारने से पहले ही आप इस तरीके की एक बकेट अपने पास रखो, चाहे टब रखो चाहे इस तरीके की बकेट रखो, और जैसे जैसे आप कपड़ों की स्टैंड पे से उतार रहे हो, उनको हाथों हाथ फोल्ड करके रख दो। चाहे आप उनको आयरन नहीं भी कर रहे हो बट उनको हाथों हाथ फोल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंबर वाइज अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके पाइल बना रहे हो अपनी बकेट में तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप स्ट्रेट अवे उनकी अलमीराज में रख सकते हो, प्रेस बाद में भी हो जाएगा बट फोल्ड करके अलमीरा में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वाले जो कपड़े होते हैं ना, ये घर में आई स्वेयर सारी जगह रुलते रहते हैं, और इनको फोल्ड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता है, बिकॉज एक बारी जो कपड़ा जहाँ पे पड़ा हुआ होता है ना, उसके ऊपर और कपड़े डंप होते जाते हैं और वो एक पहाड़ सा बन जाता है, जो कि बाद में मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो क्लीन एज यू गो और हाथों हाथ अपना काम ख़त्म करो, नहीं तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से अनएक्सपेक्टेड रेन्स तो आजकल थ्रू आउट इंडिया ही हो रही है। गर्मी इतनी पड़ नहीं रही है, बारिशें हो रही है, और बारिशों के साथ ना रूम में कुछ ऐसी एक स्टिंकी सी पानी की स्मेल हो जाती है। सो इंस्टेंटली अपना रूम रिफ्रेश करने के लिए आप कोपारो के एयर फ्रेशनर्स यूज़ कर सकते हो। इनमें कोई गैस भी नहीं है, कोई CFC भी नहीं है, कोई प्रोपेलेंट भी नहीं है, सो इट इज़ मोर सेफ टू यूज़। आप इनको डायरेक्टली अपने कर्टन्स पे स्प्रे कर सकते हो, बेड लिनन्स पे स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप कोई कॉटन स्वैब या किसी कपड़े पे हल्का सा स्प्रे करके कहीं रख भी सकते हो, या आपके पास कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स आपके घर में हैं आप उनमें भी स्प्रे करके रख सकते हो। अगर आपको भी सिंथेटिक स्मेल्स से एलर्जी है और हेडेक ट्रिगर हो जाता है, एक बारी कोपारो का एयर फ्रेशनर यूज़ करके देखना। एक माइक्रोफाइबर लॉन्ग डस्टर हम सभी के पास में होता है, बट मेरे पास वाला जो था वो बेंडेबल नहीं था, तो मैंने कोपारो क्लीन का होम केयर प्रोडक्ट में से ये माइक्रोफाइबर बेंडेबल डस्टर मंगवाया। सो इसकी जो लेंथ है, रॉड है, एक्सटेंडेबल है, जैसे सेल्फी स्टिक की रॉड नहीं खुल जाती, वैसे ही इसकी भी रॉड पूरी खुल जाती है, और ये मेरी हाइट से भी ऊपर निकल जाता है। काफ़ी फ्लफ़ी है, इसका जो ये फ्लफ़ी हेड है हम बेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपके होम केयर प्रोडक्ट्स में एक एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर होना चाहिए। मेरा जो ये पर्पल वाला है ये भी एक्सटेंडेबल है, बट इन दोनों की आप फुल हाइट देख रहे हो, कितनी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में।
और साथ ही में जो ये पर्पल वाला माइक्रोफाइबर डस्टर है ये बेंडेबल नहीं है, इसका हेड मैं बेंड नहीं कर सकती हूँ, बट जो कोपारो क्लीन माइक्रोफाइबर डस्टर है उसका मैं हेड भी बेंड कर सकती हूँ और इसको बड़ा छोटा लंबा छोटा भी कर सकती हूँ। अब अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स होते हैं, डस्ट माइट्स हैं, कुछ भी है, या आपके घर में अजीब सी स्मेल है, पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल अपने माइक्रोफाइबर डस्टर पर डालो और जब आपने जाले साफ करने हैं ये काम तब करना। अपनी दीवारों को अच्छे से इस माइक्रोफाइबर डस्टर से क्लीन कर दो, कॉर्नर्स बहुत अच्छे से क्लीन करना, सारे जाले इस डस्टर से बहुत ईजिली हट जाएंगे बिकॉज एक्सटेंडेबल हेड है इसका, तो आपको सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ना पड़ेगा। और पेपरमेंट ऑयल से, जो एसेंशियल ऑयल आपने यूज़ किया है, उससे जो स्पाइडर्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, दूर भागते हैं, इवन छिपकलियाँ भी आपके घर से दूर ही रहेंगी अगर आप ये वाला होम हैक यूज़ करते हो। गर्मियों में स्पाइडर्स की, बरसातों में स्पाइडर्स की, छिपकलियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये वाला होम हैक ज़रूर ट्राई करना। तो एक काम, दो काज, आपके घर में पेपरमेंट की अच्छी सी फ्रेश खुशबू भी हो जाएगी और कीड़े मकोड़े भी आपके घर से दूर रहेंगे, पेस्ट भी दूर रहेंगे, इवन जो मक्खी कॉकरोच होते हैं वो भी दूर रहेंगे बिकॉज पेपरमेंट ऑयल की जो खुशबू होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस कोपारो माइक्रोफाइबर डस्टर से आप बहुत ईजिली अपने पंखों के ब्लेड्स भी साफ़ कर सकते हो बिना ऊपर चढ़े। आप बहुत ज़्यादा हार्ड टू रीच प्लेसेस जो होते हैं जिनके लिए आपको सीढ़ी चाहिए होती है वो आप बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हो। डेलिकेट आपके जो डिस्प्लेज होते हैं आप उनको बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हो। और जो ये बेंडेबल हेड है, आप इससे जो आपके दीवारों के कॉर्नर्स हैं, ऊपर रूफ के जो कॉर्नर्स हैं, उनको भी बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेट करके नहीं बेंड करके साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक 15 मिनट का वीडियो पूरा देख लिया है, इट मींस आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आप इस दुनिया के कौन से हिस्से से मुझे देख रहे हैं। आज के गिव अवे में आप जीत सकते हैं कोपारो क्लीन के होम केयर प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आपको वीडियो में शो किए हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। अब मैं आपके साथ गिव अवे के रूल्स शेयर करती हूँ। बारिशों का मौसम तो नहीं है बट बारिशें तो हो ही रही हैं। क्लाइमेट चेंज कुछ ज़्यादा ही हो गया है बट हम बारिशों को इंजॉय करते करते कुछ अच्छे से होम कुक्ड स्नैक्स भी बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना आलू टिक्की। इस टेस्टी टेस्टी डिश के साथ आपके साथ गिव अवे के रूल्स भी शेयर करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस गिव अवे इज़ इन कोलैबोरेशन विद कोपारो क्लीन होम केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आप जीत सकते हैं ये पाँचों के पाँचों होम केयर प्रोडक्ट्स आज के गिव अवे में। करना क्या है आपको, बस गिव अवे के रूल्स अच्छे से फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 में 3 स्टेप्स हैं। कोपारो क्लीन का यूट्यूब चैनल जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, उनकी लेटेस्ट वीडियो को लाइक कीजिए और उसकी लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कीजिए। रूल नंबर 2, आपको होम ट्वीक चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको कोपारो क्लीन में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा जो आप जीतना चाहेंगे। बाय द वे, इस गिव अवे के विनर को मिलेंगे पाँचों के पाँचों कोपारो क्लीन के होम केयर प्रोडक्ट्स। ब्राउनी पॉइंट्स के लिए इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर भी करो। 10K सब्सक्राइबर्स की जितनी खुशी मुझे हो रही है, हुए तो नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके प्यार से, बट वो प्यार मैं आपके साथ भी बांटना चाहती हूँ इस गिव अवे के थ्रू। याद रखना, इस गिव अवे के विनर्स रैंडमली सिलेक्ट होंगे और इस गिव अवे के विनर्स कोपारो ब्रांड ही सिलेक्ट करने वाला है। ये गिव अवे एक लिमिटेड टाइम के लिए है, डेट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, सिर्फ इसी टाइम फ्रेम के लिए ये गिव अवे वैलिड है, इसके बाद इस गिव अवे की डेट्स क्लोज हो जाएंगी। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड मे द बेस्ट पर्सन विंस दिस गिव अवे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। ऑल द वेरी बेस्ट माई डियर पावर हाउसेज, लग जाओ बस इस पे, अपनी पावर लगा दो और ये अच्छे से होम केयर प्रोडक्ट्स जीतने की कोशिश करो। मे द बेस्ट वन विंस, ऑल द वेरी बेस्ट। साइनिंग ऑफ, मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। मैं अपनी खुशी आपके साथ बांट रही हूँ, आप अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट से मेरी खुशी को और दुगना कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जाने से पहले आपके साथ एक बार गिव अवे के रूल्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लेना। गिव अवे में आप 5 प्रोडक्ट्स जीतोगे कोपारो क्लीन ब्रांड से, जिसमें है डिश वॉश लिक्विड, एयर फ्रेशनर, स्पॉन्ज वाइप्स, माइक्रोफाइबर लॉन्ग डस्टर एंड साथ में लॉन्ड्री डिटर्जेंट। आपको होम ट्वीक चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोपारो क्लीन के चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों में वीडियोस को लाइक करना है, ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऑल द वेरी बेस्ट।